और एक तरफ कांग्रेस पार्टी साफ सुथरी छवि के उम्मीदवारों को चुनावी टिकट देने का दावा कर रही है, खुद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी की क्लोज डोर मीटिंग्स में अपने नेताओं को ये नसीहत दे रहे हैं कि अच्छे लोगों को राजनीति में लाया जाए। लेकिन इसके ठीक उलट कोयला घोटाले के आरोपी और सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल को हरियाणा की हुड्डा सरकार में फिर से कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। सावित्री जिंदल को मंगलवार को शपथ दिलाई गई। सावित्री जिंदल इसे दिवाली से पहले दिवाली का तोहफा बता रही हैं, लेकिन सवाल वही है कि फिर साफ सुथरी छवि के लोगों को आगे लाने का राहुल गांधी का दावा क्या खोखला है?